हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय सिंपल लर्निंग चैनल। टुडे वी डिस्कस द कनेक्शन ऑफ थ्री फेज अल्टरनेटिंग बैलेंस्ड सर्किट। इसमें दो टाइप के कनेक्शन आते हैं। फर्स्ट है स्टार कनेक्शन और सेकेंड वन है डेल्टा कनेक्शन। हम फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे व्हाट इज मीन बाय स्टार कनेक्शन, उसके फेजर डायग्राम और डेफिनेशन ऑफ लाइन वोल्टेज एंड लाइन फेज करंट। तो फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय स्टार कनेक्शन विथ सर्किट डायग्राम। तो मैं फर्स्ट आपको डेफिनेशन बताऊंगी, फिर हम उसका सर्किट डायग्राम देखेंगे। तो इसके डेफिनेशन देखते हैं, यहाँ पे मैंने राइट किया है इट इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्शन वेयर वन टर्मिनल फ्रॉम ईच वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू द कॉमन पॉइंट एंड द रिमेनिंग टर्मिनल आर कनेक्टेड टू द सर्किट। यहाँ पे क्या किया है, कनेक्शन वेयर वन टर्मिनल फ्रॉम ईच वाइंडिंग, यहाँ पे जो ईच वाइंडिंग है एक कॉमन टर्मिनल पॉइंट को कनेक्ट किया है और रिमेनिंग जो टर्मिनल है वो लोड को या फिर रिमेनिंग एक्सटर्नल सर्किट को कनेक्ट किया है। जैसे कि ये स्टार कनेक्शन या फिर स्टार डायग्राम में दिख रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं स्टार कनेक्शन। यहाँ पे हमने तीन वाइंडिंग कंसिडर किया है, इसको हम नेमिंग देते हैं आर वाई और बी। सपोज इसमें फ्लो हो रहा है करंट है और ये यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट कंसिडर किया है। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम नेमिंग देते हैं आई एन आर। इसमें जो करंट फ्लो रहा है वो आई एन वाई और बी में जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई एन बी। सिमिलरली इसमें जो वोल्टेज जो फ्लो हो रहा है उसका है वोल्टेज वी एन आर। इसमें जो वोल्टेज है वो है वी एन वाई और इसमें वोल्टेज है वी एन बी। और इस लाइन में जो वोल्टेज फ्लो हो रहा है वो आई आर, इसमें करंट फ्लो रहा है आई वाई और आई बी। ये है सम वोल्टेज एंड करंट। तो हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय आई आर एंड व्हाट इज मीन बाय वी एन आर, लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट। तो यहाँ पे इस सर्किट डायग्राम में क्या है, जो कि आर वाई बी थ्री वाइंडिंग है वो 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ क्वांटिटी लिखी है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। वी एन आर वी एन वाई एंड वी एन बी, ये क्या है, फेज वोल्टेज। फेज वोल्टेज क्या होता है, डेफिनेशन हम देखेंगे। नेक्स्ट, करंट फ्लोइंग फ्रॉम दिस क्वांटिटी न्यूट्रल टू द टर्मिनल आर, करंट फ्लोइंग दिस इज एन आई एन आर, ये क्या है, फेज करंट। द करंट फ्लोइंग थ्रू द वाई टर्मिनल इज आई एन वाई एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द बी टर्मिनल इज आई एन बी, ये क्या है, फेज करंट। नेक्स्ट है द करंट द वोल्टेज बिटवीन द टू लाइन, द वोल्टेज बिटवीन आर एंड वाई, इसमें जो वोल्टेज है वो क्या है, वोल्टेज आर वाई, ये क्या है, लाइन वोल्टेज। जो ऑरेंज पेन से लिखा है वो क्या है, वी आर वाई वी बी आर एंड वी वाई बी, ये क्या है, लाइन वोल्टेज। सिमिलरली करंट फ्लोइंग थ्रू दिस लाइन आई आर आई बी एंड आई वाई, ये क्या है, लाइन करंट। तो नेक्स्ट देखते हैं हम व्हाट इज मीन बाय फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखते हैं नेक्स्ट व्हाट इज मीन बाय फेज वोल्टेज। फेज वोल्टेज मीन्स क्या होता है, दोज क्वांटिटी विच बिटवीन फेज टू फेज, वो क्या होता है अपना फेज क्वांटिटी। यहाँ पे न्यूट्रल टू फेज आर के बीच में जो वोल्टेज है उसको हम बोलते हैं फेज वोल्टेज, इसके बिटवीन जो वोल्टेज है वो है फेज वोल्टेज। यहाँ पे फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज सिंपली हम लिखते हैं वी पी एच, फेज वोल्टेज वी एन आर इज इक्वल टू वी एन वाई इज इक्वल टू वी एन बी, ये तीनों का फेज वोल्टेज सेम होता है। सिमिलरली फेज करंट हम आई पी एच से दिखाते हैं, फेज वोल्टेज इज इक्वल टू आई एन आर इज इक्वल टू आई एन वाई इज इक्वल टू आई एन बी, ये तीनों का फेज वोल्टेज सेम होता है। नेक्स्ट लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज कैसे डिफाइन करते हैं, दोज क्वांटिटी विच एक्सप्रेस बिटवीन लाइन टू लाइन, दोनों लाइन टू लाइन, जो लाइन टू लाइन इसमें दोनों का जो वोल्टेज सॉरी वोल्टेज और करंट होता है वो होता है लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज हम दिखाते हैं वी एल, वी एल इज इक्वल टू वी आर वाई वी वाई बी एंड वी बी आर, ये है टोटल लाइन वोल्टेज। और लाइन करंट क्या है, आई एल इज इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू आई बी। इसमें लाइन वोल्टेज और लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट आर सेम एंड फेज वोल्टेज एंड फेज करंट ये सेम होता है इन स्टार कनेक्शन। अब हमें नेक्स्ट लेक्चर में देखना है क्या लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज ये दोनों सेम होता है और इसका दोनों का रिलेशन क्या होता है। ये था स्टार कनेक्शन। थैंक यू।